देश की पांच बड़ी ज्योतिषाचार्य। आज बताएंगी किसकी बनेगी सरकार। ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। मतगणना से पहले सबसे बड़ी भविष्यवाणी। क्या कहते हैं पीएम मोदी के सितारे। क्या कहती है राहुल और अखिलेश की किस्मत। कौन जीतेगा 2024 की बाजी। सितारों की चाल किसको दिलाएगी ताज। किसको सितारे दिलाएंगे राजयोग। हर सवाल का जवाब देंगी पांच ज्योतिषाचार्य। देखिए ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में ज्योतिषाचार्यों का एग्जिट पोल। राजनीति यानी कि एक ऐसी नीति बनाना जिसके जरिए आप किसी एक पद पर राज कर सके। लेकिन आज के दौर में सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलता, आपकी कुंडली में वो राजयोग होना भी जरूरी होता है। और वही राजयोग इस बार दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में, क्योंकि देश भर के अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, जानेंगे हम। हमारे साथ देश की पांच बड़ी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अन्य नेताओं के सितारों के बारे में भी जानेंगे कि इस बार के परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम उनके लिए कैसे रहेंगे। चलिए तो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले मैं, हमारे साथ पांच ज्योतिषाचार्य इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। वाने आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। वाने जी स्वागत है न्यूज 18 पर। मनीषा आहूजा जी आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। रूपा बुद्धिराजा जी हमारे साथ मौजूद हैं और पारुल चौधरी जी भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। तो चर्चा हम करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा पूजा भाटिया जी से रहेगा। पूजा जी, पूरे देश के एग्जिट पोल जितनी भी एजेंसीज हैं सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको, आपका गणित क्या कहता है? जी देखिए, अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की यदि हम बात करें, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो बहुत ही स्ट्रांग बता रहे हैं। अगर मैं देखूं तो उनकी जो वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक ही उनकी राशि भी है, और चंद्र मंगल योग जो लगन में बन रहा है बहुत ही स्ट्रांग योग बन रहा है, और अभी करंट में मंगल की ही महादशा उनकी चल रही है। मंगल में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, और शनि की यदि मैं बात करूँ तो देखिए शनि जो है मासिस का कारक होता है, सप्ताह का भी कारक होता है, और उनके दशम भाव में शुक्र के साथ विराजमान है। और अगर मैं गुरु की बात करूँ तो चौथे भाव में गुरु का अपने आप में होना उन्हें मासिस में बहुत लोकप्रिय बना रहा है। तो डेफिनेटली उनके ग्रह नक्षत्र तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अगर मैं अभी करंट ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स की भी बात करती हूँ तो ट्रांजिट में भी जो गुरु देव हैं वो चंद्रमा से गज केसरी योग बना रहे हैं, और साथ ही शनिदेव जो है चंद्र कुंडली से चौथे भाव में आ रहे हैं जो उनके दसवें भाव को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रह नक्षत्र तो बहुत पॉजिटिव है। एनडीए की लहर, मोदी लहर डेफिनेटली है ही, सिर्फ देश भर में ही नहीं दुनिया भर में मोदी मैजिक का डंका बज ही रहा है। और इस बार यदि हम सीटों की भी बात करें तो बीजेपी अगर मैं बोलती हूँ तो 320 प्लस लेकर आ सकती है, और एनडीए की ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 350 से 380 की रेंज मुझे लगती है कि इनकी इतनी सीटें आएंगी ही आएंगी। मोदी मैजिक की आपने बात की, और अगला सवाल मेरा यही है वानिया जी से।
वाने जी, हमने देखा 2014 में मोदी मैजिक चला, बंपर जीत हुई, 2019 में वो मैजिक बरकरार रहा, क्या वजह है ऐसा, कौन सा योग है ऐसा पीएम मोदी की कुंडली में कि ये मैजिक इस बार भी बरकरार है और ये बढ़ता ही जा रहा है लोगों में? धन्यवाद चीनम जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। अगर हम मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो उनकी कुंडली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। अगर हम मूला अंक की बात करते हैं तो मोदी जी का जो मूला अंक है वो 8 है, जो उनका भाग्य अंक है वो 5 है, जो कुआं नंबर एक इंसान का लक फैक्टर होता है वो भी उनका 5 है। अगर मैं इस साल की बात करती हूँ तो ये शनि का साल है, शनि का नंबर है 8। 8 नंबर आपने पास्ट में भी अचीवमेंट्स देखी होंगी, मोदी जी की जितनी भी पास्ट अचीवमेंट्स हैं सबका नंबर 8 है, इवन इनफैक्ट उनकी स्ट्रीट का रोड भी जो है वो भी नंबर 8 है। अगर मैं उनके डेट और मंथ को ऐड करती हूँ वो भी कहीं ना कहीं 8 पर आते हैं। पर्सनल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो वो ईयर पर्सनल ईयर 7 पर आता है। तो आप देखिए कि 8 का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में है। अब मैं आती हूँ उनकी अंतरदशा और महादशा पर। उनकी महादशा इस टाइम मंगल की है, मंगल में शनि चल रहा है, तो यहाँ भी वंस अगेन शनि उनके लिए बहुत सपोर्टिव है और ये साल भी शनि का है। सैटर्न का साल है तो कहीं ना कहीं उन्हें 8 नंबर की सपोर्ट हमेशा से जो है वो मिलती आई है और आगे भी ये सपोर्ट जो है उनको मिलती रहेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक उनकी राशि है, बुध आदित्य योग उनकी कुंडली में बन रहा है, स्वराशि का मंगल है, रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी जो है ये बना रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें कि इनकी कुंडली में जो है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है मंगल का, उनकी मेहनत का, आपने पास्ट अचीवमेंट्स देखे, आज इंडिया जो है विश्व गुरु बन चुका है या बनने जा रहा है, आप फॉरेन में देखिए जो भी आप कितना हमारा जो रिस्पेक्ट है, जो मोदी जी के विजन है, जो मिशन है, जो वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उठाइए, आप आईटी इंडस्ट्री उठाइए, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो हर जगह मोदी मैजिक जो है, अभी उन्होंने साधना भी की, तो ओवरऑल कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपने ग्रोथ नहीं देखी, जिसमें आपने प्रोग्रेस नहीं देखी, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी विजन है, जो वो मेहनत करते हैं? बस मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि उनको अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का आने वाले टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट ओवरऑल जो है उनका करियर ग्राफ जो है, ये विजन उन्होंने 2027 तक के लिए नहीं जबकि आने वाले 20 साल के लिए दिया था, 47 तक दिया है, खाली ये वो जो अभी ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये 2028 तक के लिए नहीं है, तो उनकी जो बहुत विजन बहुत दूर की है, मासेस को लेकर चलना, शनि, तो इस तरह से वो काफी ज्यादा लाइफ में आगे जाए। ठीक है वाने जी, अब अगला सवाल मेरा रखेगा मनीषा आहूजा जी से। मनीषा जी, जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह भी हो जो आपके विरोधियों के साथ लड़े, एक तो होता है राजयोग, लेकिन पीएम मोदी की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि विरोधियों में भी कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं नजर आता, कोई मुकाबले में नजर नहीं आता? बात सिर्फ ये नहीं है, इस मंगल यानी कि लग्नेश की युति जो है वो नवमेश चंद्रमा के साथ है, ये एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर को जन्म देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कर्म आरूढ़ है, जो कर्म करने से रुकेगा नहीं, और कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि पंचमेश बृहस्पति का और नवमेश चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में आना, ऐसे व्यक्ति से जितने भी उनके विरोधी हैं या जो भी वो प्रतिस्पर्धा करेंगे उसमें जीत उनकी होगी। अब अगर आप आजकल देखें जब ये रिजल्ट्स आने वाले हैं तो मंगल का गोचर अभी ही मेष राशि में हुआ है जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में छठा भाव है। अब प्रतिद्वंदी तो यहाँ बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गोचर में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह इस समय दशम से दशम यानी कि सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो जीत तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है पीएम मोदी की, ये आप जान लीजिए। चलिए अब राहुल गांधी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि विरोधियों की बात हुई तो अब ऐसे में राहुल गांधी से बड़ा विरोधी कौन है? राहुल गांधी की अगर हम बात करें, रूपा जी से अगला प्रश्न मेरा रखेगा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हो पाए हैं? उनके लिए क्या कहता है आपका गणित, क्या कहता है ज्योतिषाचार्य का एग्जिट पोल?
राहुल गांधी की बात करें तो देखिए जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नेट पर अवेलेबल होती है, मेरे पास मिथुन लग्न की कुंडली है जो कि ये बताती है ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और सूर्य और मंगल इनके लग्न में है, कहीं ना कहीं राजनीति विरासत में इनको मिली है, परंतु ये अपनी राजनीति को संभाल नहीं पाए, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए, अपनी विरासत को क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि इनको वाणी दोष, बुध 12 में होकर इनको वाणी दोष लगता है, कहीं ना कहीं हंसी के पात्र भी ये बने हैं कहा जाता है, और कहे अगर मैं कुंडली देखूं तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये अपनी उस चीज़ को, अपनी प्रखरता को निखार नहीं पाएंगे, उस निर्णय कुछ ऐसे नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय जो इनके राजनीतिक स्तर पर इनको कुछ ऊंचाइयां दिला पाएं। लेकिन अगर मैं 2024 अभी इनके चुनावों की बात करूं, जो इनका मुझे गणना दिखाई देती है, तो निश्चित ही ये अपने आप को उभारने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज को निखारने का काम करेंगे, कुछ सीटें इनको मिलती हुई मुझे दिखाई देती हैं, और अब 2024 से अप्रैल के बाद से कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक करियर में भी आप इनकी थोड़ी सी सक्रियता देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे इनके भाषण या कुछ ऐसे इनके वाद विवाद देखेंगे जो कि जनता भी देखकर ये आश्चर्यजनक होगी कि इन्होंने, इनकी तरफ से ये चीज़ें आई हैं, कुछ मुद्दे आप कह लीजिए। कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मैं अगर देखूँ तो राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का योग मैं नहीं देख पाती हूँ, इनके कुछ इनके कारण जो कुंडली में बताते हैं वो यही बताते हैं ये सहयोगी जरूर रहेंगे कांग्रेस के, ये कहीं ना कहीं सहयोगी तरीके से काम करते रहेंगे, परंतु इनकी कुंडली में कुछ विशेष कर और प्रबल योग राजनीति से संबंधित मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है रूपा जी, अब अगला सवाल मेरा है। और इनका जो चंद्रमा है, चंद्रमा कहीं ना कहीं इनका नीच राशि में, जो कि इनके प्रक्रम को, जो इनकी जिसे कहते हैं ना प्रक्रम, और इनके भाग्य को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत आगे तक नहीं जाते हुए मुझे नजर आते। बिल्कुल, तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भी मोड़ लेते हैं अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, जैसा कि हमने राहुल गांधी का देखा है। अब बात करूंगी मैं अमित शाह की, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कहा जाता है कि जब आपका बुध स्ट्रांग होता है तो वाणी आपकी बहुत मजबूत होती है, और बुध मजबूत होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव आपके वक्तव्य पर पड़ता है, जिस तरह से आप बोलते हैं, आपकी बोलने की शैली है। अगला सवाल मेरा पालू चौधरी जी आपसे है। अमित शाह की अगर हम बात करें, वोकल काफी स्ट्रांग है उनका, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन इस बार क्या कहते हैं उनके सितारे, उनके बारे में भी जरा भविष्यवाणी कर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल भी किया है, और सपोर्टिव मैं बोलूं, सेकंड अगर हम मोदी के बाद कोई फेस देखते हैं तो वो अमित शाह का ही देखते हैं। जैसे कन्या लगन की उनकी कुंडली अमित शाह जी की, छठे भाव में उनके इस टाइम पे शनि चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, उनकी जितनी भी तारीफ करो अभी तो कम मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल आगे डंके की चोट पे सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जो उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो थोड़े से इनको आगे देखने पड़ेंगे, आज से अभी से जो इनका मंगल चेंज हुआ, जो कल स्वयं राशि में गया है, तो वो इनके लिए बहुत ही आगे लेकिन इनको जाने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा रहने वाले हैं, अच्छा समय इनका रहने वाला है, 45 दिन का, और जिनके कार्यकाल, जो भी शपथ ले लेगी बीजेपी उसके बाद से जो इनका कार्यकाल है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। अमित शाह जो हमेशा से मशहूर रहे हैं अपने कार्यों को लेके और अपने भाषणबाजियों को लेके, जो एकदम से ये बोल देते हैं, और अनप्रडिक्टेबल सी इनकी भी सिचुएशन है। मैं बोलूँगी मोदी जी का और अमित शाह जी का ऑलमोस्ट सेम ही सिमिलर सा इनका करेक्टर ट्रेट्स आते हैं, जब दोनों जो काम करते हैं एकदम से अचानक से करते हैं, दोनों का जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से आगे जाके लंबे समय तक इन दोनों का कार्यकाल चलेगा और इन दोनों की एसोसिएशन चलेगी, अलायंस। अगर मैं बोलूँगी अगर मोदी के बाद कोई फेस आएगा तो अमित शाह का ज़रूर आ सकता है, तो इनकी कार्यकाल की नीति बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। और देखिए बहुत ही सीधा सीधा साफ सा अभी तो दिख रहा है बीजेपी ने जीतना है, एनडीए ने जीतना ही है, तो इनका बहुत ही बढ़िया आगे चलने वाला है कार्यकाल। जी, और अब अगला सवाल प्रियंका गांधी को लेकर होगा। राजनीति, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सिर्फ नीति बनाने से राजनीति में काम नहीं चलता, आपकी कुंडली में आपके ग्रहों का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने कितनी रणनीति बनाई, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स मिलता हुआ नहीं दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, जो कि हम बात कर रहे हैं। वानिया जी से मेरा अगला सवाल प्रियंका गांधी को लेकर, खूब चुनाव प्रचार उन्होंने किया और लगातार डटी रही, लेकिन क्या उनकी कुंडली में वैसे सितारे हैं कि राजनीति में आगे बढ़ने का जो योग है वो पूरा हो पाएगा?
थैंक यू शीनम जी. प्रियंका गांधी की अगर मैं कुंडली की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं बिसाइड्स इतना सब करने के बाद भी मुझे उनके कुंडली ग्राफ में थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल नज़र आता है और अभी ऐसा कुछ एट पार मुझे नहीं दिखता. अगर मूलांक की बात करते हैं तो मूलांक 3 पर है, कुआ नंबर 5 पर है जो कि लक फैक्टर होता है किसी भी इंसान की लाइफ में. भाग्यांक 5 और पर्सनल ईयर 3 पर है. उनके ईयर एंड का अगर हम टोटल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 9 पर आता है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेहनत तो वो बहुत करती हैं. मंगल का नंबर है, महादशा अभी सूर्य की चल रही है, अंतरदशा सूर्य की चल रही है. सूर्य सप्तम में होके वर्गोत्तम में है, सेकंड हाउस में इनका केतु है, अष्टम में इनका राहु है. कहीं ना कहीं अष्टम का राहु इन्हें प्रॉब्लम करता है. बुध आदित्य योग इनके कुंडली में है. एक की पॉइंट जो है इनकी कुंडली में वो ये है कि इन्होंने जो अपना वाराणसी में करियर स्टार्ट किया था वो अमावस्या के दिन किया था, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो इनकी सेल्फ की डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि इनकी वाणी भाव में केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस पर उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे उनकी भाई का या उनकी माता का. तो बिना पूछे वो डिसीजंस जल्दी से नहीं ले पाती हैं. तो अगर वो अपने डिसीजंस खुद इंडिपेंडेंटली लेंगी तो उनकी लाइफ के लिए और उनके करियर के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा. फिलहाल उनका ग्राफ एक मीडियोकर ग्राफ की तरह ही नज़र आता है. कोई ऐसा बहुत, मतलब राजनीति में उनका करियर कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा अभी नहीं दिखता है. और इसके अलावा जो है चंद्रमा नीच का है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल हेल्थ, एक मेंटल एंग्जाइटी और नीच का होके छठे भाव में है, तो एक डिप्रेशन और कहीं ना कहीं मेंटल एंग्जाइटी और चीज़ों को डिसीजंस ना ले पाना, एट टाइम्स लाइट लो हो जाना, एट टाइम्स लाइट हाई हो जाना, कई बार शब्दों का, वाणी का, कि लाइक चॉइस ऑफ वर्ड्स जिसे कहते हैं, वो कई बार उनकी कुंडली में जो है नहीं आ पाता है. तो वो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो एक्चुअली आने चाहिए बीइंग अ पॉलिटिशियन, कभी कभी ऐसा होता है. उनका आने वाला जो 2027 के बाद वाला टाइम है वो आगे अच्छा रहेगा, बट फिलहाल उन्हें थोड़ी सी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी. ठीक है वाणी जी, ये तो हमने बात की, हम लगातार नेताओं की बात कर रहे थे, ये तो नेताओं की बात हो गई, लेकिन कहा जाता है मनीषा जी कि पार्टी के भी अपने सितारे होते हैं और वो पार्टी के सितारे भी मैटर करते हैं जीत के लिए. और इस बार बीजेपी का जिस तरह से पूरे एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें बीजेपी का जो सहयोग है, अकेले अपने दम पर भी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है. ऐसे में बीजेपी के भी क्या सितारे होते हैं, क्या पार्टी के भी सितारे होते हैं, और होते हैं तो क्या कहते हैं वो सितारे? अब अगर बीजेपी की कुंडली को देखें हम तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है. अब जो दशा चल रही है इस पार्टी को इस समय वो है चंद्रमा में बुध में शुक्र. अब शुक्र की जो ब्यूटी है वो देखिए आप दशांश में, जिसे हम कर्म के लिए देखते हैं या करियर ग्रोथ के लिए देखते हैं, वहाँ पर शुक्र उच्च के मीन राशि में बैठे हैं और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है. अगर नवांश में देखें तो बुध वृषभ लग्न की ये नवांश है, इसमें लग्नस्थ हैं और शुक्र एकादश भाव में फिर से एग्जॉल्टेड हैं. तो यहाँ पर अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग आ रहा है और बहुत ही पावरफुल योग आ रहा है इस स्ट्रेंथ के आगे. तो अब ये कहना, ये क्या ही कहेंगे कि कोई और जीतेगा, ये तो बहुत ही क्लियर विक्ट्री है. और ये विक्ट्री इस बीजेपी की इस कुंडली से हम ये बता सकते हैं कि ये विक्ट्री सिर्फ 2024 की नहीं है, ये विक्ट्री 2029 की भी है. बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी 2029 में, क्योंकि ये पार्टी के चार्ट से बहुत ज़्यादा ही क्लियर है. अब अगर हम देखते हैं कांग्रेस की कुंडली को बीजेपी की कुंडली से हम कंपेयर करते हैं, तो कांग्रेस की कुंडली एक मीन लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य और शुक्र दशम भाव में बैठे हैं. सूर्य इस कुंडली का षष्ठेश है और शुक्र इस कुंडली का अष्टमेश है. दोनों युति बनाकर दशम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं. ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि बृहस्पति दशमेश है और अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं. अब जो दशाएं चल रही हैं वो है बृहस्पति में राहु में सूर्य. इन दशाओं में कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करती, मगर अगर जैमिनी की चर दशाएं देखी जाएं जो कि बहुत सटीक रिजल्ट्स देती हैं, तो मीन राशि की ही अंतर दशा चल रही है. यहाँ पर सूर्य अमात्य कारक है और दशम भाव में बैठा है. इससे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगी इस बार. इससे पहले हमने बात की थी भारतीय जनता पार्टी की और अब बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की.
क्योंकि पार्टी की भी कुंडली होती है, पार्टी के भी सितारे होते हैं जिनके दम पर वो परफॉर्म करती है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अब सत्ता से बाहर है, एक बार फिर उसके लिए निराशा वाली ही खबर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के सितारे क्या कहते हैं? जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए, मीन लगन की कुंडली इनकी बनती है और राहु केंद्र में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये कुंडली अपने आप में, जिसे कहा जाता है ना, विरोधियों के लिए भारी नहीं रहेगी, इस पर विरोधी भारी रहेंगे। और कुछ अच्छा कर पाने के लिए देखिए, साथ में आपके प्रधान अगर जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी कुंडली अगर स्ट्रांग हो, जैसे कि हम मोदी जी की भी बात करते हैं, उनकी कुंडली स्ट्रांग है बीजेपी के साथ, इनकी अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी कुंडली अगर स्ट्रांग हो कांग्रेस के साथ, तो भी चीज़ें मिलती हैं। पर कुंडली जो कांग्रेस की कह रही है वो बहुत स्ट्रांग नहीं कह रही। कहीं ना कहीं इनकी जो दशाएं और इनकी जो नक्षत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ तो अच्छा कर पाएंगे 2024 में, कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर इनका नेतृत्व कोई स्ट्रांग पार्टी का बंदा करे, कोई ऐसा नेता करे जो कि, जिसे कहा जाता है, जिनके ग्रह स्ट्रांग हो, पार्टी के ग्रह इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बावजूद पार्टी को थोड़ा सा आगे निखार कर सामने लेकर आ सके। ठीक है, आप बात कर लेते हैं इंडी गठबंधन की, यानी कि इंडिया, INDIA जिसे नाम दिया गया, और माना ये गया कि अगर इसे ये नाम दे दिया जाएगा तो उसका राजनीतिक भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, आइए जानते हैं। हमारे साथ वानिया जी से ये सवाल रहेगा मेरा। वानिया जी, जरा इंडी गठबंधन का भविष्य भी बता दीजिए। इंडी गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो खाली नेम चेंज करने से पार्टी में डेवलपमेंट्स नहीं बढ़ जाएंगे। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं, जहाँ पर भार पड़ता है उस तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो विजनरी है कि 4 जून के बाद ये पार्टी भी फिर से स्प्लिट हो जाएगी। इस पार्टी में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी इशू है, तो चीज़ें जो इस पार्टी के लोग हैं ये परमानेंट नहीं है। आज कोई एक पार्टी में है, कल दूसरा जो है दूसरी पार्टी में जाएगा। अगर हम इनकी कुंडली की बात करते हैं तो 6ठे भाव में राहु और गुरु साथ में है, तो उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें इतना विजडम नहीं है। 12वें का केतु है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, शनि षटभिषा में है, शुक्र जो है मघा नक्षत्र और गुरु जो है वो भरणी नक्षत्र में है। 4 जून के बाद इनके जो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, जैसे मैंने बोला, वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और कहीं ना कहीं इनकी में सबसे अभी शनि में शुक्र में गुरु चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में जो लोग हैं वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, और इनकी जो लीडरशिप है, जो इनके लीडर्स हैं, जो इनकी मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं वो पार्टी थोड़ी सी डाउनफॉल की तरफ दिखती है। कुछ लोग अपने ही लोग धोखा देते हुए नज़र आते हैं सेम पार्टी को, कुछ लोग छोड़ते हुए नज़र आते हैं इसी पार्टी को, और इसकी सस्टेनेबिलिटी मुझे सिर्फ 4 जून तक ही दिखती है। उसके बाद जो इसका डाउनफॉल वाला ग्राफ है वो शुरू हो जाएगा। इसमें मंगल और शुक्र जो है वो दशम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा जो है नवम में अस्त होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ और ऑन एंड ऑफ इमोशनल इश्यूज आते हैं, जहां पर लोग अपने डिसीजंस जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो ग्राफ जो है वो डाउनग्रेडिंग है। हमारे इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। जिस तरह से हमने आपको बताया कि देश की जो तमाम एजेंसियां हैं, जो एग्जिट पोल बता रही हैं, जो बता रही हैं कि एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं मोदी और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता ज्योतिष के अनुसार भी नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।